ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग जांच की मांग पर सुनवाई टल गई है। बता दें कि कार्बन डेटिंग जांच के अलावा आज ज्ञानवापी के पूरे परिसर की एएसआई में सर्वेक्षण की मांग पर भी कोर्ट का फैसला सुनाया गया था, लेकिन आज फैसला टल गया है और अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। इससे पहले गुरुवार को इस पर बहस पूरी होने के बाद जिला जज डॉक्टर एके विशेष ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज वो इस पर अपना फैसला सुनाए थे। लेकिन आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग जांच का आदेश कोर्ट की तरफ से आया है। कार्बन डेटिंग क्या चीज है आखिरकार, आपके भी दिलो दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा, तो आपको चलिए बताते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिससे जो वस्तु है उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे शिवलिंग की जांच में उम्र का पता लग सकता है कि ये शिवलिंग कब कैसे बनाया गया था। इससे ये भी पता लगता है कि शिवलिंग का निर्माण कब करवाया गया था और कार्बन डेटिंग से इमारतों के बनने की तारीख का भी पता लगाया जा सकता है। इसमें यही खासियत है कि फैसले से पहले ही वाराणसी में कड़ी सुरक्षा भी दी गई है कि कहीं दूसरे समुदाय के लोग कुछ हमला ना कर दे, पथराव ना कर दे। ज्ञानवापी मामले में फैसले से पहले वाराणसी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और रेलवे स्टेशन के साथ ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा को भी कड़ी कर दी गई है। कथित तौर पर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग वाली याचिका पर अदालत के आदेश से पहले ही हिंदू पक्ष में दो फार हो गई है। बता दें कि दरअसल वादी संख्या एक राखी सिंह ने कार्बन डेटिंग का कड़ा विरोध किया था। राखी सिंह के पैरोकार विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने कार्बन डेटिंग से हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने का बड़ा आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग करने से हिंदू पक्ष को भी प्रॉब्लम हो सकता है और मुस्लिम पक्ष को भी। उनका ये मानना है कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान होगा और शिवलिंग खंडित हो सकता है, जबकि वादी संख्या 02 से 05 जिसमें लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक का नाम है, उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाकर कार्बन डेटिंग की मांग की थी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी में कार्बन डेटिंग की जांच करने के लिए अब कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है, लेकिन अगर कार्बन डेटिंग करते हैं तो इससे शिवलिंग की क्षति हो सकती है, शिवलिंग टूट सकता है, जिससे हिंदू पक्ष को तकलीफ होगी और मुस्लिम पक्ष को भी तकलीफ होगी, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद मान रहा है उसकी भी बहुत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई गई है। न्यायालय सभी पक्षों को, सभी तथ्यों को देखते हुए कोई फैसला सुनाएगा, हम सबको माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। हिंदू पक्ष द्वारा पूजा का अधिकार और हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है, जैसे मैंने कहा माननीय न्यायालय में मामला है और माननीय न्यायालय जो भी फैसला करेगा उस सबको उसका सम्मान करना चाहिए।